दी कशिश मिलने आई है तुमसे। हाँ बहुत देर पहले उसी के मैचिंग का मैंने ये पहन लिया है, ये भी ओम्ब्रे फिनिश में है, कास्ट आयरन का है, ये इनेमल्ड है। हाँ अरे वाह लैडल। हाँ ये लैडल है, ये स्पैचुलाज है, स्पैचुलाज तो बहुत काम में आते हैं। क्या मंगाती रहती हो, चलो दिखाओ भाई क्या है। अब मैं लगा रही हूँ उस पर ब्रेड के स्लाइसेस। फिर तो यहाँ पर मैंने ओवन को कर लिया है प्री हीट और ये जा रहा है हमारा लज़ानिया। ओके वाह मस्त बना है भाई। ये लज़ानिया नहीं है, क्या है, ये बहुत यम्मी सी चीज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। आज है सैटरडे और यहाँ पे सब लोग धूप सेक रहे, कशिश भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज कशिश की मौसी से मिलने, यानी कि मेरी सिस्टर से मिलने के लिए। कशिश आई हुई है तो मैंने सोचा जाकर एक मुलाकात कर ली जाए, और दीदी बहुत दिनों से बुला भी रही थी, याद भी कर रही थी कशिश को, बोल रही थी जब वो आए तो मिलाने लेकर आना। तो आज हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं दीदी के घर। क्यों कशिश, कल कैसा रहा तुम्हारा दिन? कल तो बहुत अच्छा दिन गया था, कल तो अवतार देखी थी हमने, तो रात देखी थी अवतार, और हमारा रात का शो था तो हम लोग गए थे सन पटिका के रूम, और काफ़ी अच्छा मतलब मूवी लगी। थोड़ी ये कुछ ज़्यादा ही लंबी थी क्योंकि मम्मी एटलीस्ट आधी मूवी में तो सोई हैं। हाँ मैंने सरप्राइज नहीं, डैडी को नींद नहीं आई, मैं और डैडी देख रहे थे। हाँ मैं यही कहती इसकी जगह अगर कोई हिंदी मूवी होती ना, आप अभी तक आधे में सो जाते, और अवतार तो पूरी देखी उन्होंने जग के। लंबी मूवी थी यार, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, 3 आवर्स की है, अच्छी तो है ही बट बहुत लंबी थी। इंटरवल तक तो मैंने पूरी देखी थी, इंटरवल के बाद मुझे थोड़ा सा लगने लगा। और मैंने ना आज बहुत प्यारा सा स्वेटर पहना है, फर्स्ट टाइम मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था, हाई नेक है, दीदी के घर में कुछ ठंड ज़्यादा रहती है तो मैंने सोचा हाई नेक स्वेटर ही पहनना बेस्ट रहेगा। वैसे भी आते आते शाम हो जाती है तो ठंड लगने लगती है। मफिन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई मेरे बच्चे की, तो उसे डॉक्टर को भी दिखाना है, पता नहीं इसे बहुत जल्दी ठंडी लगती है। क्या आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या उसको भी ज़्यादा जल्दी ठंडी लग जाती है। हाँ पता नहीं, फिर भी इसे बहुत जल्दी ठंड पकड़ती है। दीदी कशिश मिलने आई है तुमसे? हाँ बहुत देर पहले आ गए थे हम लोग, बहुत देर से बातें कर रहे हैं, खूब सारी चाय पानी नाश्ता सब हो चुका है, अभी तो खाना हो रहा है। तो मैंने कहा दीदी से मिलवा देती हूँ कशिश को, फिर पता नहीं काम में फिर इसका भी जाने का होने लगता है तो भागा दौड़ी होने लगती है। अब लोग तुम लोग आना किसी दिन घर पे मिलने, आराम से बैठेंगे, क्योंकि इसके जाने से पहले एक और मुलाकात हो जाएगी इस बहाने, वरना सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। चीजें बनाई है, सब कुछ बनाया है, ये कैसे बना दिए तो सब कुछ बनाया है। फिर मुझे बोल रही थी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी। तो मैं दीदी के घर आई हुई हूँ, अभी खाना वाना सर्व कर रहे थे तो सारा और आंटी मिली है। यस तो दीदी तो बनाती है घर, बहुत कुछ बना लेती है, वो बोलते बोलते भी इतना सब बना लेती है, जबकि उसकी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसके पैर में थोड़ा पेन चल रहा था बीच में, मैंने तो मना भी किया था लेकिन फिर भी उसने ये सब बना लिया। और बथुए का रायता बनाया है। नहीं एक बात है, दीदी के पास आने पे ना खाना बहुत टेस्टी मिलता है, मतलब तुम भी बनाती है अच्छा ही हो, लेकिन दीदी सबके हाथ में ना अलग अलग टेस्ट होता है ना। वो तो है दी, बथुए का रायता और बथुए की रोटियाँ बहुत टेस्टी बनाया भाई, मेथी मटर मलाई की सब्जी, पता नहीं किस किस की सब्जी है। ये लो बच्चों खाना खाओ। अच्छा चलो तो हम लोग आ गए वापस, और अभी बस थोड़ी देर पहले हम निकले थे घर से, आज दीदी के घर चले गए तो अच्छा लगा, बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे और कशिश का भी मुलाकात हो गई। दीदी खाना अच्छा बनाती है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मस्त मस्त खाना बनाती है बहन, तुम उसी की हो। ये कहूंगा दीदी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। हाँ। मजा आ गया, उसके बाद तो खाना ऐसा खाना खाने का ना नींद आने लगती है। वही हुआ, हम लोग लेट भी गए थोड़ी देर। कशिश के लिए बनाने वाली हूँ अभी हॉट चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। आपको ना दूध को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, और क्या करना है, ये कैडबरी का हॉट चॉकलेट नाम से आता है, इसको आपको एक कप में 2 चम्मच डाल देना है, और ऊपर से चाहो तो थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हो, या फिर आप फिटी हुई क्रीम होती है ना वो भी डाल सकते हो। और इसमें शुगर वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी शुगर मिली हुई होती है, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों का फेवरेट होता है। Thank you.
तो अभी ना मैं लजानिया के लिए चॉपिंग कर रही थी, कशिश का बहुत मन था लजानिया खाने का, तो सारी की सारी वेजिटेबल्स ली, उन्हें मैंने चॉप कर लिया और लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया, क्योंकि वाइट सॉस और कहते हैं रेड सॉस, दोनों सॉस मैं घर में ही बनाने वाली हूँ, होममेड रहने वाला है ये पास्ता। और पता है सबसे इजी चीज़ क्या है, हम इसे ब्रेड से बनाएंगे, कोई शीट्स वगैरह नहीं लेंगे, हम ब्रेड से बनाएंगे तो और भी आसानी से और जल्दी बन जाएगा। तो बच्चों का अगर मन करे तो आप झटपट खिला सकते हो उनको, और खूब सारी वेजिटेबल भी इस बहाने उनके पेट में चली जाती हैं। फिलहाल उससे पहले मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने नहीं मंगाई हैं और मैं उनको यूज़ कर लूँगी लजानिया बनाते समय, तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो आप ही के साथ कर देती हूँ, जिससे कि जब हम खाना बनाएंगे तो आप भी देख लेना कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ऑलरेडी इनमें से एक चीज़ है जिसका ना मुझे सेट बनाना है तो इसीलिए मंगाया है मैंने, दिखाती हूँ आपको पता चल जाएगा। आ जाओ प्रशांत, आप भी आ जाओ मेरे साथ अनबॉक्सिंग कर लो, मुझे तो सब्जी कटवानी है। आ जाओ, आजकल अपना कलेक्शन बढ़ाने में लगी पड़ी हो। हाँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बढ़ा रही कि मैं एक साथ खरीद रही हूँ, मैं महीने में एक चीज ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ती है वरना, तो धीरे धीरे ही आप अपना अच्छा वाला प्यारा वाला कलेक्शन कर पाते हो। तो आपने थोड़े दिन पहले मेरे पास ओम्ब्रे फिनिश में वो देखा था जो मैंने वो पॉट खरीदा था, बहुत प्यारा लगा था ना सभी लोगों को, अभी तक मेरे से लिंक मांगते हो आप लोग उसके, उसी के मैचिंग का मैंने ये पैन लिया है, ये भी ओम्ब्रे फिनिश में है, कास्ट आयरन का है, ये इनेमल्ड है जैसा कि आप देख सकते हो, बाहर से ये कुछ ओम्ब्रे फिनिश में, अंदर इसमें वाइट रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सेट भी तैयार हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वाला मैंने नहीं लिया है क्योंकि हम लोगों को इतनी बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 21 सेंटीमीटर का है और इसकी कॉस्ट शायद 1500 के अराउंड थी, सोलिमो ब्रांड का है ये, वो भी सोलिमो ब्रांड का, जो बड़ा वाला डच ओवन पॉट लिया है ना, ये भी आप ओवन में यूज़ कर सकते हो। अच्छी बात ये कि ये भी यूज़ कर सकते हो आप ओवन में, जैसे कुछ भी बेक करना है छोटा मोटा तो आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका एक हैंडल कवर तो मैं चाहिए होगा, हैंडल कवर, उसको उठाने के बाद मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि अब मैं, ये मुझे हल्का लग रहा है उसके आगे, साइज छोटा है ना, ये लीजिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब भी आप इन बर्तनों में कुकिंग करते हो, मेरे लकड़ी वाले तो बहुत ही ओल्ड हो रहे हैं इस टाइम, स्पैचुलास चाहिए होते हैं तो अच्छे वाले स्पैचुला मैंने इस बार ऑर्डर करे, जिनका ना वुडन हैंडल है, तो इसे कट करके चेक कर लेते हैं। ये किस ब्रांड का है? ये कैरियोट का है, और कैरियोट ब्रांड के जो भी बर्तन है ना मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ कैरियोट ब्रांड। अरे वाह, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लकड़ी का इसका वो है और आगे शायद सिलिकॉन है ना। हाँ, अरे वाह, लैडल। हाँ, ये लैडल है, ये स्पैचुलाज हैं, स्पैचुलाज तो बहुत काम में आते हैं, बड़े अच्छे हैं और बहुत ही स्टर्डी हैं। हाँ, बहुत स्टर्डी हैं, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ, वाह मजा आ रहा है देख के जी। यहाँ तक सॉलिड है, उसके बाद उसके ऊपर वो है सिलिकॉन। हाँ, ये अच्छा है। अरे भाई, ये तो इसके साथ मैच भी कर रहा है, उठाने में अच्छा रहता है, कोई जैसे एग वगैरह बना रहे हैं या चीला बना रही हो। क्योंकि इसकी ब्रांड काफी अच्छी है तो थोड़े से ये महंगे हैं, और देखने में ही नहीं क्वालिटी भी अच्छी है, ये 500 में मुझे 3 मिले हैं। नेक्स्ट जो मैं चीज लेकर आई हूँ ना वो आपके सामने, तो मेरे चारों बर्नर पे एक साथ रख सकते हो आप, चारों बर्नर पे, इतना बड़ा मैं दिख रही हूँ आपको। क्या मंगाती रहती हो, चलो दिखाओ भाई क्या है। और अनबॉक्सिंग भी तुम शायद ये फर्स्ट टाइम कर रही हो, फोन पे भी नहीं देखी। मैं पता है अनबॉक्सिंग, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ फर्स्ट वाला जो लुक है ना उसका वो शेयर करूं, फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस शेयर करूं, इसीलिए आप ही के साथ कर देती हूं। हाँ। फिर बनाते बनाते आप लोग देख ही लेते हो। अच्छा, आप लोगों ने मेरे अनबॉक्सिंग के शॉर्ट्स नहीं देखे अभी तक? नहीं तो, वहां तो मैं डेली एक अनबॉक्सिंग शॉर्ट डालती हूँ, चाहे वो ज्वेलरी हो, मेकअप हो, या फिर क्लोथिंग हो, या फिर किचन का या होम का कोई भी सामान, अक्सर आपको वहाँ मिलेंगे मेरे पहले शॉर्ट्स, लेकिन ये वाली अनबॉक्सिंग मैंने ब्लॉग में करी। ओह, ये देखिए, ये क्या निकल रहा है? कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है अमेज़न वाले मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े बॉक्स में, आप देखिए ये मजाक नहीं है तो क्या है ये। ये भी कैरियोट ब्रांड है। हाँ, देखो जिस ब्रांड पे भरोसा हो जाता है फिर आपको लगता है कि उसी का सामान मंगवाओ। मुझे मायर पे बहुत भरोसा है, मायर के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, कैरियोट ब्रांड के पसंद है मुझे प्रोडक्ट। माल साहब ये इतने बड़े उसमें क्यों भेजा आपने, मुझे बताएंगे अमेजोन वाले में से कोई भी मुझे देख रहा है बंदा तो। ये इतना छुटकू सा है, मुझे अमेजोन पे लगा था इतना
नहीं, एग रोल बनाने के लिए। अच्छा उत्तपम, हाँ छोटे छोटे जो होते हैं ना सेट डोसा टाइप के। हाय मैं तो चार बर्नर पे सोचा था, ये एक बर्नर के लाइक भी नहीं है। इस साइज में मुझे छोटा लगा, बट इसकी क्वालिटी बहुत, क्वालिटी अच्छी है लेकिन साइज में छोटा है, काफी छोटा है साइज में। इसमें ना पोच वगैरह वाले एग भी बना सकते हो। हाँ, और इसमें छोटी मोटी सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत छोटे मोटे चीले, छोटे छोटे से जो पैनकेक टाइप नहीं होते हैं वो भी बना सकते हो आप इसमें। इसकी वुडन मेरी, ये वुडन फिनिश बड़ी अच्छी लगी, पकड़ के देखो अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो इस ये ना 18 सेंटीमीटर का है, 18.5 सेंटीमीटर लगभग, और इसकी जो कॉस्ट है वो 720 रुपीस के अराउंड है। आप लोग बताइए मुझे इसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्वालिटी वाइज तो मैं इसे रखना चाहूंगी, बट ये है इतना बड़ा, लेकिन साइज इसका मुझे थोड़ा छोटा रिसीव हुआ है। आप लोग बताना अगर आपके पास है तो इसका साइज कितना बड़ा होता है, मतलब ये। वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, जब आप बोल दोगे कि आप रख लो तो हम रख लेंगे, नहीं तो वापस। अगर मैं वापस भी करूंगी तो उसका बड़ा साइज मंगा लूंगी। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया था ना, टोमेटोज को बॉईल कर लिया था और उनका छिलका इतनी आसानी से उतर गया है, तो बस इन्हें छिलके को हटाकर साइड कर लेंगे और इनको थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, और इससे हम बनाएंगे रेड सॉस, और एक हम व्हाइट सॉस भी तैयार करेंगे होममेड, वो भी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हो। उसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है चॉप करा हुआ। थोड़ा सा सौते कर लेना है इन चीज़ों को। ये हम लोग बना रहे हैं रेड सॉस। लहसुन हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को भी भून लेना है। ये एक छोटी प्याज है जो मैंने डाली है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉईल करे हुए टमाटोज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है इसमें, और इसके साथ मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, आप 1 टीस्पून के करीब डाल सकते हो। तीखे कितना तीखा बनाना है इस पर भी आपके डिपेंड करता है। देन मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरे, और ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी पास्ता सॉस में, और थोड़ी स्वीटनेस भी ऐड हो जाएगी। मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे और उसे थोड़ा बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ये सॉस आप पता है पास्ता बनाते समय भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पिज़्ज़ा के ऊपर जब लगाते हैं ना उस पर भी लगा सकते हो। क्योंकि ये होममेड सॉस है तो ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, फ्रेश फ्रेश बनी हुई है। क्योंकि इसमें मैं डाल रही हूँ ओरिगैनो, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा देन इसे मिक्सी में पीस लेना है। अब मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए पैन रख दीजिए, इसमें 1 कप दूध डाल दीजिए और दूध को गर्म होने दीजिए। इसमें डालना है बटर 2 बड़े चम्मच, इसको हल्का सा मेल्ट होने दीजिए। बहुत हल्का सा, जब मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे मैदा, और ये भी मैं 2 टेबल स्पून के करीब डालूंगी, 1 और ये लगभग 2। मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे, जलने नहीं देना है, भूनना है बस हमें। तो मैदा को भून लेना है लेकिन इसे ब्राउन नहीं होने देना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए बस इतना ही हमें भूनना है। तो यहाँ पर मैदा अच्छे से भून चुकी है हमारी। अब इसमें हमें गर्म दूध मिला देना है, ये वाला जो हमने किया था, और मिलाने के तुरंत बाद हमें चलाते रहना है साथ के साथ, क्योंकि गाँठे नहीं पड़नी चाहिए, लम्स नहीं पड़ने चाहिए तो ये मिला दीजिए इसमें, और साथ साथ इसे घुमाते भी रहिए, विस्क की हेल्प से घुमाइए जिससे कि जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ओके, ये घूमना स्टार्ट हो गया। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, बंद कर देंगे हम इसे। थोड़ा सा हर्ब्स डालेंगे इसमें, बेसिल डाल रही हूँ मैं इसमें, अगर बेसिल नहीं है तो आप ओरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हो। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और ये थोड़ी देर में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे कुछ इस तरीके से बनाकर आपको तैयार कर लेना है वाइट सॉस को। यहाँ पर हमारा वाइट सॉस भी रेडी हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे वेजिटेबल, इन्हें फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक और पैन रख दिया है,
थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए वेजिटेबल्स को। इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एक करके वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ, तो मैंने अनियन फ्राई कर दिया इसमें। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कैप्सिकम, इनको भी सौते कर लेना है। तीनों तरह के कैप्सिकम आप यूज़ कर सकते हो, ग्रीन है, रेड है। आप इसमें ब्रोकली यूज़ करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर का इस्तेमाल करना हो तो वो भी कर सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरह की कैप्सिकम यूज़ करी है। जितना ज़्यादा आप इसमें वेजीज यूज़ करोगे, चीज़ यूज़ करोगे, ये घर की बनी हुई सॉसेज यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा लज़ानिया आपका टेस्टी लगेगा। और लज़ानिया तो पता है इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि ना, कि आपको पिज़्ज़ा उसके आगे फेल लगेगा। यहाँ पर मैंने कॉर्न भी डाल देने हैं, तो ये कॉर्न ये मैंने बॉयल कर लिए थे। टमाटोज भी डाल देंगे, हल्का सा बस सौते करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको। यहाँ पर मैंने ऑलिव भी डाल दिए, और थोड़े से ऑलिव मैंने बचा लिए थे, ऊपर से हम डालेंगे। तो वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो चुकी हैं। अब हमें इसमें क्या डालना है ना, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालने हैं, और थोड़ा ब्लैक पेपर डाल सकते हो आप इसमें, सॉल्ट डाल सकते हो, और इसमें हर्ब्स डाल सकते हो, मिक्स हर्ब डाल दो, ओरिगैनो, या फिर आप वो डाल सकते हो, बेसिल डाल सकते हो। बेसिल मैंने वाइट सॉस में डाल दिए, इसलिए मैं बेसिल नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ओरिगैनो यूज़ करूँगी, ओरिगैनो भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। चलिए, हमारा ये सब रेडी हो चुका है। अब हमें ना क्या करना है, ब्रेड लेनी है, और ब्रेड को ना बेलन से बेल लेना है। इसके चारों तरफ के जो हिस्से हैं ना, वो हमें हटा देने हैं। तो इस तरीके से आप ले लीजिए, जितनी भी आपकी पैन में लगे ये, मैं यहाँ पर ये वाला पैन यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आप ब्रेड की शीट्स नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ना लज़ानिया वाली शीट्स भी मिल जाएंगी, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी। इससे भी मैंने लज़ानिया बनाकर एक बार दिखाया था आप लोगों को, काफ़ी टाइम हो गया इनको। बस मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर रखा था, इस टाइप की शीट्स होती हैं ये, तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो गर्म पानी में से निकाल के, एंड देन आप लेयरिंग करके यही सेम प्रोसेस कर सकते हो। इस तरीके से ये पतली पतली शीट बन जाएगी आपकी ब्रेड। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं, अब हमें बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं ये रेड सॉस डाल रही हूँ इस तरीके से। ये पैन काफ़ी बड़ा सा है हमारे पास, और ये ओवन का पैन है, जिसे आप ओवन में आराम से यूज़ कर सकते हो। और आप यही सेम प्रोसेस ना गैस पर भी कर सकते हो। उसके लिए आप पैन ले लीजिए गोल, जो हमारे यही वाला पैन होता है, इसी में सेम इसी तरीके से ये लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने जो व्हाइट सॉस बनाई थी वो भी डाल देनी है। तो व्हाइट सॉस भी मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस लगा लेने हैं। एंड देन अब इसमें सॉस फिर से डालनी है, ये वाली रेड वाली, और अब हम इसमें व्हाइट सॉस भी डाल देंगे, और इसे भी इसी तरीके से लेयर कर लेंगे। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ वेजिटेबल्स। ऐसा करने से क्या होगा ना, नीचे से आपका जो जलेगा नहीं, वो टेस्ट अच्छा बना रहेगा, इसीलिए सॉसेज हमने नीचे की तरफ लगाई हैं। और हमें दो लेयर में लगाना है, तो सारी चीज़ों को दो में डिवाइड कर लीजिए। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैं छोड़ूंगी जो मैं ऊपर से एक्स्ट्रा लगाऊंगी, बाकी सारी चीज़ें हमें दो लेयर में करनी है। शीश, इधर आओ, देखो क्या बना रही है मम्मी। अब हम इसमें लगाएंगे चीज़ के स्लाइसेस, या फिर आप ग्रेटेड चीज़ भी लगा सकते हो। क्या बन रहा है, लज़ानिया ना? हाँ, तूने बोला था ना मुझे लज़ानिया खाना है मम्मी। कुछ बोले हो मम्मी, ना माने। दाल ढोकली का मेरा हो गया, लज़ानिया आज मैं खिला रही हूँ। और भी जो लिस्ट में सामान तुम्हारे हैं वो मुझे बता सकती है। कुछ मेरे भी सामान है जो मैं कशिश के हाथ के खाना चाहती हूँ। हाँ कशिश भाई, कुछ तुम्हारा भी होना चाहिए कुछ। हाँ हो, इसलिए क्योंकि मैं भी तो वेट कर रही हूँ कि मैं कब मेरी शौना पली आएगी और मेरे लिए कुछ कुछ बेक सामान बनाएगी, वो तो मैं बनाऊंगी। यहाँ पर हमारी एक लेयर होती है कम्प्लीट, अब हम बनाएंगे सेकेंड लेयर। अब मैं लगा रही हूँ उस पर ब्रेड के स्लाइसेस, फिर से जैसे कि हम लोगों ने अभी करा था सेम वैसे ही कर लेना है। अब हमें फिर से सॉसेस लगानी है, हमारी यम्मी यम्मी सॉस। और ये पिज़्ज़ा से शायद इसीलिए ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी सॉसेज यूज़ होती हैं यम्मी यम्मी, कि क्यों ना टेस्टी लगे ये बताओ मुझे आप एक बार को। फिर से हमने वाइट सॉस लगा दी है, देन फिर से गई वेजिटेबल्स खूब सारी यम्मी यम्मी। थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, मैं ऊपर से डालूँगी। अब मैं फौरन चेंज इस पर डाल रही हूँ ग्रेटेड चीज़।
आप चाहो तो स्लाइस वाली भी डाल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। मैंने दोनों इसलिए यूज़ करी है जिससे कि टेस्ट अच्छा आए और दोनों तरह की चीज़ का हमें फ्लेवर मिल पाए। अब जितनी भी बची हुई सॉसेज हैं वो यूज़ कर लीजिए, अब ये सही टाइम है क्योंकि अब हमें कोई और ब्रेड की लेयरिंग नहीं करनी है। आप चाहो तो तीन डेकर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं दो ही वाला बना रही हूँ। पूरी तरीके से सॉसेस से ढक चुका है, वेजिटेबल से ढक चुका है, लास्ट में बहुत पतली सी एक लेयर हम डाल रहे हैं चीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ हमने डाल लिया है और जितना भी बची हुई हमारी वेजिज है वो भी हमारी चली जाएंगी, ऊपर से देखने में भी अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ओवन को कर लिया है प्री हीट और ये जा रहा है हमारा लज़ानिया। यहाँ पर मैंने 200 इसका टेम्परेचर सेट कर दिया है 200 यानी कि, और 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है। ओके, यहाँ पर भाई यम्मी सा लज़ानिया तैयार हो चुका है, गरम होगा। वाह मस्त बना है भाई, मस्त। अब तुम लोग खाओगे तब पता चलेगा, खूब सारा लग रहा है। यम 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 यम, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है बेकिंग की ना। ये लसानिया नहीं है, क्या है? ये बहुत यम्मी सी चीज है। वाह, गरम गरम सुपर हॉट, देख के तो मजा ही आ गया। मजा आ गया, अपन कर रहे हैं जल्दी से खा ले इसे। हाँ। तो यहाँ तो मैंने सर्व कर लिया, इन लोगों को भी बुला लेती हूँ। खा जाओ यार, तुम लोग क्या वहाँ पे लाल लड़ा रहे हो एक दूसरे को। ये क्या है? जैसे लग रहा है, जैसे तुझे पता नहीं है क्या है, मतलब अभी तो पूछ के नहीं थी। हाँ, आधे घंटे बाद मुझे अपडेट देनी होगी क्या बना रही हूँ मैं, क्या है ये? बहुत टेस्टी है, सच्ची बता, सच्ची में टेस्टी है। फिर मुझे कोई खिलाओगी? मैं ये नहीं खिलाऊंगी। वाह बहुत डिलीशियस है। ये लो अपनी अपनी प्लेटें पकड़े।